जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उपाध्याय फार्मेसी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसम्यूकोसल रूट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सबलिंगुअल रूट। इन सबलिंगुअल रूट द टेबलेट और ड्रग इज़ पुट अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिजोल्व। ड्रग को हम मुंह में रखते हैं और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन इन एंजिना पेक्टोरिस, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन इन एंजिना पेक्टोरिस। एडवांटेजेस: फास्ट एक्शन, रैपिड एक्शन, नॉट रिक्वायर्ड एनी टेक्निकल पर्सन लाइक फार्मासिस्ट, GNM, ANM और एनी टेक्निकल क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट। ड्रग इज़ डायरेक्टली एंटर्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट इनएक्टिवेशन इनटू लिवर। डिसएडवांटेजेस: समटाइम अनप्लीजेंट टेस्ट फॉर टैबलेट में डिफ़िकल्ट टू टेक। कुछ समय ड्रग का जो स्वाद होता है वो अनप्लीजेंट होता है, इसलिए उसको लेने में हमें कठिनाई होती है। इट इज़ नॉट यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव इट टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस नेजल रूट। इट इज़ यूजफुल फॉर द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ स्नफ पाउडर और नेजल स्प्रे। ड्रग इज़ रैपिडली फास्ट एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। यह यूज़फुल होता है अगर ड्रग हमारा स्नफ फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है और नेजल स्प्रे है। स्नफ क्या होता है, यह पाउडर की एक फॉर्म होती है। दीज आर चीफली यूज्ड फॉर इनहलेशन इनटू द नोस्ट्रिल्स, पार्टिकुलरली बाय द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा। दे हैव डिकॉन्जेशन, एंटीसेप्टिक एंड ब्रोंकियोडायलेटर्स एक्शंस। यह अधिकतर नाक में सांस लेने के लिए अधिकतर उन मरीजों में इस्तेमाल होता है जो दमा की बीमारी से पीड़ित होते हैं। इनमें विसंकुलन, एंटीसेप्टिक और श्वसनी विस्फारक क्रियाएं हैं। नेजल रूट में एग्जाम्पल है अस्थालिन इनहलेशन और एस्ट्रिविन ऑक्सीफास्ट, जो यह नेजल स्प्रे होती है। नंबर तीसरे पे आता है हमारा ट्रांस रेक्टल रूट। इट कैन बी यूजफुल रूट फॉर ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट। टर्मिनली इल पेशेंट का मतलब होता है अंतिम या मरणांतक रूप से, मरणांतक रूप से मतलब मरने वाला हो व्यक्ति या ज़्यादा बुजुर्ग हो, उसमें हम ट्रांस रेक्टल रूट का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस रूट द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू रेक्टम फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इफेक्ट। इन दिस रूट गैस्ट्रिक इरीटेशन कैन बी अवॉइडेड। ड्रग को हम रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डाइजेपाम इन केस ऑफ एपिलेप्सी, जो हमारा ड्रग होता है डाइजेपाम, वह रेक्टल के थ्रू इंसर्ट कराया जाता है इन केस ऑफ एपिलेप्सी। अब हम पढ़ेंगे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो नए नए जो रूट हैं अभी लागू हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ऑक्यूसर्ट नंबर वन। इन दिस सिस्टम द ड्रग इज़ डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द आईलिड फ्रॉम वेयर द ड्रग इज़ रिलीज्ड स्लोली स्लोली फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। ड्रग को हम डायरेक्टली प्लेस्ड करते हैं आईलिड पर और वहीं से उसका स्लोली स्लोली रिलीज होता है, वह वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का लंबे समय के लिए। एग्जाम्पल पिलोकार्पाइन, जो आँख में लोकल एप्लीकेशन इन्फेक्शन के लिए यूज़ में आता है। अब हम सेकंड पे आता है प्रोजेस्टेसर्ट। प्रोजेस्टेसर्ट में इट इज़ एन इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इट प्रोड्यूस कंट्रोल रिलीज फॉर प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन विद इन द यूट्रस फॉर 1 ईयर। यह इट इज़ अ इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, जैसे हमारा कंडोम होता है। इट प्रोड्यूस कंट्रोल रिलीज फॉर प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन विद इन द यूट्रस फॉर 1 ईयर। और यह कंट्रोल करता है प्रोड्यूस होने से प्रोगेस्ट्रोन हार्मोन विद इन द यूट्रस फॉर 1 ईयर। नंबर थर्ड पे है हमारा प्रो ड्रग। इट इज़ एन इनएक्टिव ड्रग विच ऑन एडमिनिस्ट्रेशन मेटाबोलाइज्ड इनटू एन एक्टिव ड्रग। जो हमारा प्रो ड्रग होता है वो इनएक्टिव ड्रग होता है, अगर हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और उसका जो मेटाबोलाइज होता है, पाचन होता है, उसके बाद वह इनटू एन एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल लिवोडोपा इज़ एन इनएक्टिव ड्रग विच आफ्टर
एडमिनिस्ट्रेशन मेटाबोलाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू डोपामाइन। जो हमारा लिवोडोपा होता है वह इनएक्टिव ड्रग होता है, हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद मेटाबोलाइज्ड होता है, उसका पाचन होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है डोपामाइन में। लिवोडोपा कन्वर्ट इनटू डोपामाइन। लिवोडोपा होता है वो इनएक्टिव ड्रग होता है, और जो डोपामाइन है वो एक्टिव ड्रग होता है। डोपामाइन विच इज़ एन एक्टिव ड्रग, डोपामाइन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म इज़ अ डिजीज़ होती है जिसमें हाथ का कंपन होता है। अब हम पढ़ेंगे लोकल एप्लीकेशन। ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पेस्ट, लोशन, ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड लोकली। जो लोकली अप्लाई किए जाते हैं हम उन्हें लोकल एप्लीकेशन कहते हैं, और इसमें आते हैं पाउडर, पेस्ट, लोशन, ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड लोकली। फॉर द एक्शन, एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन ड्रग कैन बी अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, कॉन्जेक्टिवा, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड रेक्टम। द फॉलोइंग आर सम प्रिपरेशन विच आर मेड फॉर लोकल एप्लीकेशन, जैसे सपोजिटरी फॉर वेजाइना एंड रेक्टम, पेसरी फॉर वेजाइना।